नगर निगम शिमला ने सहब सोसाइटी के तहत कार्य कर रहे सुपरवाइजर पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। कई क्षेत्रों में हर माह कूड़े का बिल ना लिए जाने की शिकायतें आने पर नगर निगम ने ये फैसला लिया है। नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि बिजली व पानी की तरह लोगों को कूड़े का बिल भी देना होगा। उन्होंने कहा कि जहाँ पर सुपरवाइजर कूड़े का बिल एकत्र नहीं कर रहे हैं, उन सुपरवाइजर की सैलरी रोक दी जाएगी। ये हम लोग जो इस चीज़ से बहुत लंबे समय से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो लोग घरों में जाते नहीं हैं, पैसा लेके आते नहीं हैं। क्योंकि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, आम जनता से हम बात करते हैं, तो आम जनता हमको ये बोलती है कि आपके पैसे लेने वाले आ नहीं रहे हैं। मुझे फ़ोन आते हैं, मेरे पास यहाँ फ़ोन आते हैं कि मैडम 3 महीने हो गए आपका कोई भी व्यक्ति हमारे पास पैसे लेने नहीं आ रहा है। तो अब लोगों की भी गलती नहीं, मुझे लगता है जो सुपरवाइज़र है वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैंने कहा कि अगर कोई भी जो हमारे सुपरवाइज़र हैं अगर वो कलेक्शन नहीं लाएंगे तो उनको सैलरी ना दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।